नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है द न्यूज टॉक पर, जहां पर हम जानने वाले हैं देश और दुनिया से जुड़ी 50 से भी ज्यादा बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। तो वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही आप कहां से यह वीडियो देख रहे हैं जरूर बताइएगा। तो चलिए बिना देरी किए जानते हैं सभी बड़ी खबरें। बताइए, अधिकारियों के साथ कितनी बार टिफिन मीटिंग की, प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्रियों से मांगी रिपोर्ट। हमसे राजनीतिक लड़ाई लड़ो लेकिन इस तरह नहीं, भाजपा विधायक के बयान पर भड़के ओवैसी। मनीष सिसोदिया कामरूप कोर्ट में तलब, असम के सीएम ने दायर किया मानहानि केस। अब शिवसेना किसकी होगी, 5 जजों की संविधान पीठ करेगी फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने कहा गुरुवार तक कोई एक्शन न ले चुनाव आयोग। भगवंत मान के मंत्री का बड़ा बयान, पंजाब वित्तीय संकट में केंद्र सरकार मदद कर निभाए अपना फर्ज। चुनावी खैरात महत्वपूर्ण मुद्दा, सीजेआई बोले देश की भलाई के लिए हम सुनवाई कर रहे। माफिया अतीक अहमद के बेटे ने सीबीआई कोर्ट में किया सरेंडर, 2 लाख का था इनाम। तेलंगाना में विवादित टिप्पणी को लेकर भाजपा विधायक टी राजा गिरफ्तार। 2 कोड़ी का आदमी है राकेश टिकैत, केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बिगड़े बोल। पढ़ाई से बचने के लिए दोस्त का कत्ल, पुलिस चौकी पहुंचा 10वीं का छात्र, बोला मुझे जेल भेज दो, चौंक गए पुलिस वाले। मध्य प्रदेश में आफत बनी बारिश, 12 जिलों में स्कूल बंद, ट्रेनें रद्द, बाढ़ग्रस्त इलाकों के दौरे पर सीएम शिवराज। भारत पाकिस्तान मैच से 5 दिन पहले भारतीय कोच कोरोना संक्रमित, कैसे होगी टीम इंडिया की तैयारी। एक नियामक के रूप में हमारा काम दिशा निर्देश जारी करना, बैंकों के स्वामित्व पर बोले आरबीआई गवर्नर। ईडी ने 2 अचल संपत्तियों के साथ 3.68 करोड़ रुपए की राशि जब्ती की, फर्जी भुगतान लेने का है मामला। बोइंग 787 विमानों को गगन कॉम्प्लायंस में छूट, मंत्रालय ने जारी किया नोटिफिकेशन। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रधान ने की ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष से मुलाकात, कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। वहीं सरकार ने BS6 वाहनों में CNG और LPG किट के रेट्रोफिटिंग की दी इजाजत। सपना चौधरी को गिरफ्तार कर पेश करो, लखनऊ की ACJM कोर्ट ने दिया आदेश। विवादित बयान पर कार्रवाई, विधायक टी राजा भाजपा से निलंबित, पार्टी ने 10 दिन में मांगा जवाब। महाराष्ट्र विधानसभा के सामने युवक ने किया आत्मदाह का प्रयास, अस्पताल में भर्ती। मध्य प्रदेश में बाढ़ के चलते 16 सड़क मार्ग बंद, हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू जारी। अदालत के पूर्व आदेश पर ट्विटर ने मांगा स्पष्टीकरण, दिल्ली हाईकोर्ट ने स्मृति ईरानी से मांगा जवाब। तेलंगाना भाजपा अध्यक्ष की गिरफ्तारी पर भड़के नड्डा, बोले KCR और TRS का होगा सफाया। गुजरात में करजन नदी पर बना 13 करोड़ का पुल बाढ़ में बहा, 2 टुकड़े हो गए, भ्रष्टाचार की गंध। अखिलेश से खपा मुस्लिम वोटर से, राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल ने सपा अध्यक्ष पर उठाए सवाल। सालाना मेडिकल रिपोर्ट पर सवाल, सिपाही ने DG को पत्र लिखकर किया भ्रष्टाचार का सनसनीखेज खुलासा। BJP पर अखिलेश यादव हमलावर, कहा 2024 के लिए रची जा रही साजिशें। मुंबई के बड़े होटल में बम की सूचना होने से हड़कंप, डिफ्यूज करने के लिए 5 करोड़ रुपए की मांग, मामला दर्ज। कांग्रेस ने जारी किए भारत जोड़ो यात्रा के लोगो व पर्चे, 7 सितंबर से होगी शुरू। राष्ट्रपति भवन पहुंची सोनिया गांधी, महामहिम द्रौपदी मुर्मू से की मुलाकात। बिल्किस बानो केस में दोषियों की रिहाई को चुनौती देने सुप्रीम कोर्ट पहुंची बिल्किस बानो, CJI बोले इस पर विचार करेंगे।
बेनामी लेनदेन को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, 3 साल की सजा का कानून निरस्त। अशोक गहलोत का बयान, राहुल नहीं बने पार्टी अध्यक्ष तो कई लोग घर बैठ जाएंगे। बीते 24 घंटों में 8,586 नए संक्रमित मिले, 9,680 ठीक हुए, वहीं सक्रिय केस और भी घटे। तेलंगाना में 1,00,000 मतदाताओं के पेड़ छुएंगे कांग्रेस कार्यकर्ता। मिशन 2024 के तहत सांगठनिक फेरबदल से सामाजिक क्षेत्रीय समीकरण साधने पर नजर, भाजपा की हर स्तर पर बदलाव की रणनीति। आम्रपाली केस में जस्टिस ललित बोले, भविष्यवाणी सच, आम्रपाली केस जल्द मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। दिल्ली वाराणसी बुलेट ट्रेन पर फिलहाल ब्रेक, रूट पर कई घुमाव, रेलवे ने खारिज की यह रिपोर्ट। उत्तराखंड में देश की पहली व्यावसायिक वेदशाला, स्पेस जंक से लेकर अंतरिक्ष की हर हरकत पर होगी नजर। एप्पल गूगल समेत अन्य टेक कंपनियों की आज संसदीय पैनल के सामने होगी पेशी। लंबी वायरस की वजह से 8 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में 7,300 मवेशियों की जान गई, 1,85,000 मवेशी संक्रमित। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पूर्व आबकारी आयुक्त अरवा गोपी कृष्णा और उपायुक्त आनंद तिवारी को निलंबित किया। नागालैंड में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने CSR निवेश सम्मेलन 2022 का किया उद्घाटन। सुवेंदु अधिकारी का काफिला तीसरी बार हादसे का शिकार, केंद्रीय बल के 2 जवान घायल। मुख्तार अंसारी पर मुसीबतों का पहाड़, करीबी हाजी मुख्तार का करोड़ों का कॉम्प्लेक्स कुरुक, डुगडुगी बजवा कर दी सूचना। यूपी में पशु परिवहन पर रोक, लंपी वायरस से निपटने के लिए मिशन मोड पर काम करेगी सरकार। आबकारी नीति को लेकर भाजपा ने आपको घेरा, पूछा केजरीवाल क्यों नहीं दे रहे जवाब। हिमाचल में राज्य पुलिस सेवा अधिकारियों का वार्षिक वर्दी भत्ता अब 15,000, सीएम जयराम ने की घोषणा। जम्मू कश्मीर के नौशेरा में LOC पर घुसपैठ की कोशिश विफल, सुरक्षा बलों ने ढेर किए 2 घुसपैठिए। वैष्णो देवी यात्रा के दौरान घोड़े, पिट्ठू और पालकी मजदूर हड़ताल पर, यात्रा के लिए नंबर सिस्टम शुरू करने का कर रहे विरोध। पंजाब के फिरोजपुर सेक्टर से हथियारों का जखीरा बरामद, BSF को गश्त के दौरान मिली सफलता। वहीं टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट का निधन, भाजपा के टिकट पर लड़ चुकी थी चुनाव। बिहार के पटना में 3 दिनों के लिए धारा 144 लागू, नहीं कर सकेंगे कोई धरना प्रदर्शन, जिलाधिकारी का बड़ा फैसला। भाजपा सरकार ने मालवा से शिमी को खत्म किया, शाह बोले इसके सदस्य आतंकी घटनाओं में शामिल थे। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।